नमस्कार, जंगी अवध देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले में लखनऊ की सड़क पर प्रदर्शन हो रहा है। लखनऊ में जगह जगह बीएसपी के कार्यकर्ता सड़क पर हैं। मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं ये लोग। बीजेपी से निष्कासित दयाशंकर सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बीजेपी और दयाशंकर सिंह का विरोध बड़े स्तर पर करने के लिए बीएसपी ने 2017 विधानसभा चुनाव के सभी उम्मीदवारों को आज लखनऊ बुलाया है। यही नहीं, बीएसपी ने 200 एमएलसी के साथ हजारों कार्यकर्ताओं को भी लखनऊ बुलाया है। तो दयाशंकर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बीएसपी के कार्यकर्ता जो हैं सड़कों पर उतरे हैं। आपको बता दें कि कल आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था दयाशंकर ने, जिसके बाद बीएसपी सड़कों पर उतर आई है। दयाशंकर सिंह ने जो अपमानजनक अभद्र टिप्पणी किया है, उसके आक्रोश में, बीजेपी के विरोध में दयाशंकर सिंह को सजा मिले, उनको जेल जाए और कड़ी दंडनात्मक कार्रवाई की जाए, इसके विरोध में हम लोग बहुजन समाज पार्टी के अनुशासन सिपाही आज यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसी भारतीय जनता पार्टी अपनी बयानबाजी करती रहेगी तो ऐसे केंद्र से भी इस्तीफा देना पड़े, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। दयाशंकर ने जो अवैध टिप्पणी की है, इस टिप्पणी को लेकर इसमें कसूरबाज अमित शाह भी है, क्योंकि ये जो करा रहे हैं सब अमित शाह की चाल है और मुलायम सिंह और अमित शाह की मिली भगत की ये टिप्पणी है। पार्टी अध्यक्ष का जब अपमान हुआ तो कार्यकर्ताओं में उबाल आ गया। सुबह हुई नहीं कि मायावती के समर्थक सड़क पर उतर गए। निशाने पर बीजेपी थी, मोदी थे, अमित शाह थे और वो दयाशंकर सिंह थे जिसने मर्यादा की सारी लकीरें लांग दी थी। लखनऊ में अंबेडकर की मूर्ति के ठीक सामने सुबह से ही बीएसपी के कार्यकर्ता जुटने लगे। 8 बजते कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया, जमकर नारेबाजी की। बीएसपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा चरम पर था। ये लोग दयाशंकर सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। दयाशंकर सिंह ने जो अपमानजनक अभद्र टिप्पणी किया है, उसके आक्रोश में, बीजेपी के विरोध में दयाशंकर सिंह को सजा मिले, उनको जेल जाए और कड़ी दंडनात्मक कार्रवाई की जाए, इसके विरोध में हम लोग बहुजन समाज पार्टी के अनुशासन सिपाही आज यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसी भारतीय जनता पार्टी अपनी बयानबाजी करती रहेगी तो ऐसे केंद्र से भी इस्तीफा देना पड़े, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। दयाशंकर ने जो अवैध टिप्पणी की है, इस टिप्पणी को लेकर इसमें कसूरबाज अमित शाह भी है, क्योंकि ये जो करा रहे हैं सब अमित शाह की चाल है और मुलायम सिंह और अमित शाह की मिली भगत की ये टिप्पणी है। लखनऊ में अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी पर वार करने का बड़ा मौका मिला है बीएसपी को, लिहाजा उसे मायावती छोड़ना नहीं चाहती। बीएसपी के थिंक टैंक को पता है कि चुनावी समर में यह मौका इतना बड़ा है, लिहाजा बीएसपी के सभी कैंडिडेट और एमएलसी को लखनऊ तलब किया गया है। हजारों की तादाद में समर्थकों के साथ बीएसपी के कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं। लखनऊ के हजरतगंज में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा के सामने इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद हैं, जिनकी ये मांग है कि दयाशंकर सिंह को फांसी दी जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। नरेंद्र मोदी अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। समाजवादी पार्टी की भी मिली भगत इस पूरे मामले में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बता रहे हैं। महिला के सम्मान से, दलित के सम्मान से ये पूरा दयाशंकर सिंह का बयान, जो अभद्र टिप्पणी थी, वो जोड़कर देखा जा रहा है। बीएसपी पूरे प्रदेश में इस मामले को ले जाना चाहती है ताकि महिला सम्मान और दलित सम्मान के बहाने 2017 में उसको दलितों को जोड़ने में और कामयाबी मिल सके। हमारे साथ बीएसपी के तमाम कार्यकर्ता दूर दूर से आए हुए हैं, महिलाएं आई हुई हैं। बताइए कि आप यहां आई हैं, कहां से आई हैं और क्या आपकी मांग है? इटावा से आए हुए हैं। जो हमारी जो बहन जी हैं माननीय मायावती जी, अगर हमारी महिलाओं पे कोई भी सम्मान में कोई भी आंच आती है तो हम लोग रोडों में, सड़कों में उतर जाएंगे और उनके साथ वही व्यवहार किया जाएगा जो हमारे साथ करने की कोशिश करेंगे। हम भी इटावा से आए हैं
और हमारी बहन से जो गलत शब्द अवैध भाषा यूज की गई है उसकी हम लोग चाहते हैं उसकी भरपूर जवाब देंगे, पत्थर से ईंट से ईंट बजा के जवाब देंगे। मेरी मांग ये है कि जो हमारी इज्जत है वो जो उछाली गई है, ये हमको मतलब हमारा सम्मान मिलना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों से लखनऊ में जमा हुए हैं और उनकी एक सुर में यही मांग है कि दयाशंकर सिंह को फौरन से पेशतर से गिरफ्तारी की जाए। मुकदमा हालांकि कायम हो गया लेकिन दयाशंकर की गिरफ्तारी जब तक नहीं हो जाती तब तक बीएसपी के समर्थक चुप होने वाले नहीं हैं। और अभी ये लखनऊ में प्रदर्शन हो रहा है, ये माना जा रहा है कि आगे चलकर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश के तमाम हिस्सों तक इस प्रदर्शन को ले जाएंगे और 2017 के पहले पहले ये मुद्दा बीएसपी किसी भी कीमत पर थमने देना नहीं चाहती है। मायावती पर अभद्र टिप्पणी करने वाले बीजेपी नेता दयाशंकर की पार्टी ने छुट्टी कर दी है। 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लेकिन इस बीच बीएसपी ने दयाशंकर के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। जो भी कट हुआ है ये केवल और केवल श्री अमित शाह के इशारे पर दयाशंकर नाम के व्यक्ति ने ये किया है। आप जानते हैं दयाशंकर कौन है, कभी कोई चुनाव जीते हैं? स्कूल कॉलेज का भी चुनाव ये मनोनीत हुए थे, वहां भी कभी नहीं जीते, क्योंकि इनके दयाशंकर जी के ऊपर अमित शाह जी की दया थी। इसके बाद उपाध्यक्ष बन गए। अब क्या कहा जाए, उपाध्यक्ष बनने का मतलब ऐसा तो नहीं कि किसी बहन बेटी का अपमान किया जाए। पिछले कुछ दिनों से बीजेपी लगातार मायावती पर अटैक कर रही थी। बताया जा रहा है कि बीजेपी के प्लान के तहत ही बीएसपी के बड़े नेता माया का साथ छोड़ रहे हैं। इस सब के बीच दयाशंकर सिंह ने बीएसपी को बड़ा मौका दे दिया है। जाहिर है कि मायावती इसका पूरा पूरा सियासी फायदा उठाना चाहेंगी। विवेक तिवारी, इंडिया 24/7, लखनऊ। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता लखनऊ से विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस तरीके से विरोध प्रदर्शन आगे बढ़ रहा है और प्रशासन कितना तैयार नजर आ रहा है, क्योंकि कई जगहों से धक्का मुक्की की खबरें भी सामने आ रही हैं। देखिए, जहां तक प्रदर्शन है, प्रदर्शन अभी अपनी जगह से चल रहा है धरना, और ये माना जा रहा है कि 11-12 बजे तक ये चलता रहेगा। कुछ देर पहले बीएसपी के कुछ कार्यकर्ता को और उन्होंने हजरतगंज चौराहे पर जाम लगा दिया था। एक भारतीय जनता पार्टी का पूर्व विधायक की गाड़ी जा रही थी, उस गाड़ी के साथ धक्का मुक्की की, लेकिन पुलिस ने उनको बीच बचाव करते हुए वहां से निकाल दिया और हजरतगंज चौराहे को भी अब खाली करा लिया गया है। तो अभी बीएसपी के जो नेता यहाँ पर पहुंचे हैं उसमें इंद्रजीत सरोज है, उसमें नकुल दुबे है, नौशाद अली है, ये नेता सब लखनऊ में इस वक्त प्रदर्शन में पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का धरना स्थल जहां पर धरना चल रहा है वहां पर आना अभी भी लगातार जारी है और इसके बाद देखते हैं कि क्या रणनीति बनती है। लेकिन फिलहाल अभी तक का जो प्रदर्शन हुआ है उसमें 1-2 घटनाओं को अगर हम छोड़ दें तो अभी तक ये अनुशासन में चल रहा है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक इस जानकारी के लिए। इस खबर पर नजर बनाई रखिएगा, हम लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। इससे पहले कल संसद में भी दयाशंकर की अभद्र टिप्पणी का मुद्दा उठा और अरुण जेटली ने भी सफाई दी और दयाशंकर सिंह ने भी माफी मांगी। इसके बावजूद भी सदन में जमकर बवाल हुआ। यूपी में बीजेपी के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिस पर संसद में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष ने सवाल उठाए तो खुद सदन के नेता अरुण जेटली को इस पूरे मामले में माफी मांगनी पड़ी। कैरेक्टर पर अगर कोई किसी पार्टी का हो, वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, अपोजिशन का हो, लेकिन एक महिला पर उसके कैरेक्टर के बारे में स्टेटमेंट दे, और एक एमपी भी है और दलित भी है, इसको कभी चीफ मिनिस्टर रही है 3-3, 4-4 बार, उसके खिलाफ अगर इस तरह का स्टेटमेंट दिया जाए तो वो उस इंसान की पार्टी की मानसिकता बताता है कि मानसिकता कहां जा गई कि अब उनके लीडरों को भी बर्दाश्त नहीं किया जाता। निश्चित रूप से मैं जो भी इस काम को देखते हैं उनका ध्यान और दिलाऊंगा ताकि हम लोग भी उस पर उस संबंध में उपयुक्त कार्रवाई कर पाए। मैं एक बार फिर बहन मायावती जी के प्रति खेद व्यक्त करता हूं कि ऐसी शब्दावली का प्रयोग हुआ। हम सब आपकी प्रतिष्ठा के साथ अपने आप को जोड़ना चाहेंगे। दरअसल मऊ में दयाशंकर सिंह ने मायावती पर टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की। हालांकि मामला गरमाया तो उन्होंने माफी मांगने में भी देर नहीं लगाई। मायावती जी आज टिकटों का इस तरह से बिक्री कर रही है,
यदि कोई कंटेक्ट करती है तो जब तक पूरा नहीं करती है तो उसको नहीं तोड़ती है। लेकिन प्रदेश की हमारी इतनी बड़ी नेता तीन तीन बार की मुख्यमंत्री मायावती जी किसी को 1 करोड़ रुपया में टिकट देती है। देखिए मायावती जी के बारे में ऐसा मैं सोच नहीं सकता। मायावती जी बहुत बड़ी नेता है, उत्तर प्रदेश की 3 बार मुख्यमंत्री रही है, एक बहुत सी जो है नीचे से जो है संघर्ष करके वहाँ तक पहुँची हैं। मायावती जी तो बड़ी नेता, मैं एक छोटे से भी ऐसे किसी महिला के बारे में कोई सी टिप्पणी नहीं कर सकता। मेरे बाप से यदि ऐसा हुआ है मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन जेटली और दयाशंकर सिंह की माफी से मायावती का गुस्सा शांत नहीं हुआ। माया ने कहा कि इस बयान के लिए पूरा देश बीजेपी को माफ नहीं करेगा। ये जो उसने शब्द का इस्तेमाल किया है तो पूरा देश मेरे ख्याल बीजेपी को कभी माफ नहीं करेगा। मायावती पर विवादित टिप्पणी को लेकर राज्यसभा में महिला सांसदों ने भी बीजेपी पर जोरदार हमला किया। इस तरह की टिप्पणी करें तो मैं समझती हूँ कि वो केवल व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत तो है और उनके ऊपर एट्रोसिटीज एक्ट लगना चाहिए और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ये इस पार्टी की मानसिकता को भी दर्शाता है कि इनकी सोच महिलाओं के प्रति, दलितों के प्रति क्या है। इस देश में हम भी पैदा हुए, संविधान ने इस बात को पहचाना है। हम कोई भिखमंगू नहीं है महिला बन के कि इनकी बदौलत और इनके इस पे हम जी रहे हैं, टुकड़े पे जी रहे हैं। खबरदार जो इस देश के कोई महिला पर ये उंगली उठाए और जबान चलाए। संसद में हुई फजीहत के बाद बीजेपी ने कड़ा रुख दिखाते हुए दयाशंकर सिंह को यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया। स्वयं मैंने भी खेद जाहिर किया, पार्टी के और नेताओं ने भी खेद जाहिर किया, वह भी माफी मांग चुके हैं। फिर भी पार्टी इसे गलत मानती है और सिर्फ दयाशंकर सिंह जी को उनको पद से तत्काल प्रभाव से मुक्त करती है। पद से मुक्त किया गया, पार्टी के सभी जिम्मेदारियों से उनको मुक्त कर दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी का यह स्पष्ट मानना है कि ऐसी भाषा का पार्टी में कोई स्थान नहीं। बहरहाल बीजेपी ने भले ही दयाशंकर सिंह को पद से हटा दिया हो लेकिन विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा भी थमा दिया। यूपी में चुनाव नजदीक है, ऐसे में कहीं दयाशंकर जैसे नेताओं का बड़बोलापन बीजेपी को महंगा न पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगली खबर की। यूपी के गौतम बुद्ध नगर के सांसद और केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई है जिसमें महेश शर्मा जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद ग्रेटर नोएडा में बीजेपी कार्यकर्ताओं और कुछ ग्रामीणों ने उनका पुतला फूंक कर अपना विरोध जाहिर किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं और गुर्जर समाज के लोगों ने सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्रीय मंत्री का पुतला फूंक कर अपना विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक डॉक्टर महेश शर्मा माफी नहीं मांगते हैं उनका आंदोलन जारी रहेगा। मिशन यूपी 2017 के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 22 जुलाई को यूपी के गोरखपुर में एक बड़ी रैली करेंगे। मोदी की रैली गोरखपुर के सांसद महंत आदित्यनाथ के गढ़ में होने जा रही है, लिहाजा रैली को कामयाब बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। रैली में पार्टी ने 5 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है। रैली से पहले पीएम मोदी गोरखपुर के रामपुर फर्टिलाइजर फैक्ट्री के साथ साथ भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का भी शिलान्यास करेंगे। यूपी चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी की रैली में यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। इस सेगमेंट में हम हर रोज आपको एक विधानसभा क्षेत्र का हाल दिखाते हैं। इसी क्रम में आज बारी है राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा की, जिसे एक हाईटेक सिटी के तौर पर देखा जाता है। यहां के विकास के नाम पर सरकारें अपना प्रचार करती हैं, फिर चाहे मेट्रो का विस्तार हो या फिर एक्सप्रेसवे। पर दावों और वादों के बीच क्या है, इस इलाके की असली तस्वीर इस रिपोर्ट में देखिए। देश की राजधानी दिल्ली से सटा नोएडा विधानसभा क्षेत्र, जहां लंबे चौड़े फ्लाईओवर हैं, सड़कें, मेट्रो, मॉल्स और अंडरपास देखने को मिलते हैं, हाईटेक सिटी इसे कहा जाता है। लेकिन क्या इस इलाके की तस्वीर यहीं तक सीमित है? नोएडा विधानसभा का गठन साल 2012 में हुआ था। इससे पहले ये दादरी विधानसभा का हिस्सा था, जिसके विधायक बने थे बीजेपी के डॉक्टर महेश शर्मा।
इसके बाद उन्होंने साल 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ा और गौतम बुद्ध नगर सीट से सांसद बने। इस विधानसभा सीट पर फिर उपचुनाव हुए और एक बार फिर बीजेपी ने इस सीट पर जीत दर्ज की। विमला बाथम 60,000 वोटों से जीती, जिनका कहना है कि उनको करीब 3 करोड़ रुपए बतौर विधायक निधि मिली, जिसे उन्होंने कच्ची कॉलोनियों में नाली सड़क बनवाने और नल लगाने पर खर्च किया है। गांव में कायदे से अथॉरिटी करना चाहिए सरकार को, लेकिन फिर भी वहां सरकार काम उतना नहीं करती। मेरा वहां ज़्यादातर पैसा विकास को वहां लगा, वहां नाली खड़ंजा, जहां ज़रूरत थी वहां पक्की रोड, जहां ज़रूरत थी वहां अभी सोलर लाइट लगवाई हमने, अभी नल 100 नल आ गए हैं वो लगे हैं, 100 नल रिबोरिंग के सरकार की तरफ से मिले थे वो लगाए, हमारे कोटे में आए थे वो लगाए हैं, 8 किलोमीटर की सड़क काली सड़क वो हमारे कोटे में थी वो हमने सब दे दी है, अभी वो बनना शुरू नहीं हुआ है लेकिन शुरू हो जाएगी। 3 करोड़ से ऊपर ही खर्च हो चुका है, लगभग 3.5-4 करोड़ खर्च हो चुका है। आपको बता दें कि नोएडा 4 वर्गों में बटा है, एक झुग्गी झोपड़ी से जुड़ा, दूसरा अवैध और कच्ची कॉलोनियों से जुड़ा, तीसरा गांव में रहता है और चौथा वो जो नोएडा प्राधिकरण के विकसित सेक्टर और बिल्डर अपार्टमेंट में रहता है। यहाँ नगर निगम नहीं है, ऐसे में शहर का विकास नोएडा प्राधिकरण ही करता है। नोएडा की विधायक के द्वारा अपने कार्यकाल में किए गए विकास का ब्यौरा लेने के लिए हम जब जनता के पास पहुंचे तो लोगों का कहना है कि विधायक चाहकर भी यहां विकास नहीं करा सकती क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखती हैं और नोएडा प्राधिकरण प्रदेश सरकार के इशारे पर काम करती है और विकास का जिम्मा नोएडा प्राधिकरण पर है। हमने कई चिट्ठियाँ इनको लिखी, कई बार बात कर ली, चिट्ठियाँ राइटिंग में इनको लिखी लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एलिवेटेड रोड पहले सबसे पहले वहाँ बननी चाहिए थी जो नहीं बनी, जहाँ यहाँ जहाँ कम ट्रैफिक है वहाँ एलिवेटेड रोड बन गई, बताइए ये मतलब कैसा इनका वो है, कैसा बनाते हैं। आपको बता दें कि विधायक विमला बाथम ने पिछले चुनाव के दौरान महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था को बेहतर करने और DND टोल को फ्री कराने जैसे वायदे किए थे। एक बार फिर चुनाव होने को है और इन वादों को लेकर जब इंडिया 24/7 की टीम ने उनसे बात की तो वो अपनी बेबसी का ठीकरा प्रदेश की SP सरकार पर फोड़ती नजर आई। चूंकि सरकार हमारी है नहीं, विपक्ष के नेता हैं हम, इसलिए हम मजबूर कहीं के हो जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ख़राब है नोएडा में, तो ये कि हम ये कह सकते हैं हमारे विधानसभा की विडम्बना है कि हाईटेक सिटी होते हुए भी यहाँ पर कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं हो रही है जो हम ये कह सकें कि हाँ हमने 100% इसको अचीव किया है। नोएडा औद्योगिक नगरी है, ऐसे में यहाँ के उद्योगपतियों का विधायक से उम्मीद लगाना गलत नहीं है, पर हाँ वो भी ये मानते हैं कि नोएडा प्राधिकरण का दखल उनकी तरक्की की राह के आड़े आता रहता है। विधायक जी हमारे नोएडा के एंटरप्रेन्योर रही हैं, बड़ी हमें खुशी रही है कि नोएडा की एंटरप्रेन्योर विधायक बन के आई हैं। उन्होंने नोएडा में जाके इंडस्ट्री की, गाँव की मेहनत से बड़ी डिस्कशन करी है, कभी कई जगह अथॉरिटी में, पुलिस में कई धरने दिए हैं, लेकिन प्रॉब्लम वही आ जाती है कि जब तक सरकार उसी पार्टी की नहीं हो तो सुनवाई नहीं है। प्रदेश सरकार की प्रदेश में ही चलती है, तो प्रदेश सरकार समाजवादी पार्टी की वो है BJP की, तो जब तक वो नहीं चाहेंगे यहाँ कुछ नहीं होगा। पिछली बार नोएडा विधानसभा में हुए चुनाव में करीब 5,23,000 वोटर थे, पर इस बार ये वोटर करीब 6 लाख के आसपास होने की उम्मीद है क्योंकि लगातार बन रहे बिल्डर अपार्टमेंट में लोग रहने आ रहे हैं। ऐसे में हमारी टीम ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर यहाँ रहने वाले बाशिंदों के सामने क्या मुश्किल आती है। समस्या भैया यही है कि यहाँ पर जितनी नालियाँ हैं सब ब्लॉक पड़ी हैं, ठीक है, साफ सफाई को ध्यान नहीं जाता, जैसा भी आपके सामने है आप देख रहे हो उनको जैसे भी हैं। विधायक जी अगर आए हमारी बात सुन ले, हम बता देंगे क्या काम हो रहा क्या नहीं हो रहा है। विधायक जी एक बार गांव में आई थी सी ब्लॉक के बरात घर में और वो वहीं से आई और वहीं से चली गई, उन्होंने ना तो गांव का कोई दौरा करा और ना ही गांव के लोगों से उनकी समस्याएं पूछी। हम गांव के लोग इकट्ठे होते हैं और स्वीपरों को अपनी जेब से पैसा देते हैं, पैसा देने के बाद नालियों को खुद साफ करवा रहे हैं,